गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 9:48 और आज है हमारे जर्नी का डे 3। गाइज अभी हम हैं जयपुर में माया इंटरनेशनल होटल में। गाइज अभी हम आपको रूम टूर देंगे, बट उससे पहले गाइज हमारे साथ एक गसल मची है। हमारे गाड़ी की रियर भी पंक्चर हो गई थी, तो अभी हम स्टेपनी के साथ उसे चेंज किए हैं। आगे कहीं पे पंक्चर को बनवाना होगा और मेन व्हील के साथ तब जाके चेंज करेंगे, मेन व्हील तब लगाएंगे, और तब तक हमें एक एवरेज एक मेंटेन स्पीड पे चलना होगा। गाइज हमारी जर्नी आधी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम अभी गाड़ी का मेंटेनेंस भी करेंगे, कूलेंट और इंजन ऑयल की जाँच करेंगे कि लेवल सही है या नहीं है, क्योंकि हम अपने साथ टॉप अप के लिए लेके आए हैं स्पेयर कूलेंट की डब्बा और इंजन ऑयल की डब्बा। गाइज इंजन ऑयल का लेवल सही है, तो हमें टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं है। कूलेंट भी सही दिख रहा है हमें, तो कूलेंट की भी लेवल सही है, कूलेंट भी हमें टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे हम चेक कर लेंगे और आगे चल के पेट्रोल पंप पे जहाँ पे हम टायर स्पेयर चेंज करेंगे वहीं पे एक बार बाकी के टायर के प्रेशर चेक करवा लेंगे। गाइज सुबह के 11 बजे हैं और हम अभी चेकआउट कर रहे हैं होटल से। और गाइज अभी हम सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ बढ़िया सा, कुछ यम्मी सा, कुछ डिलीशियस। गाइज ब्रेकफास्ट करने के बाद हम साइट सीन करेंगे जयपुर का, और उसके बाद आज ही आगरा के लिए मूव करेंगे और वहां पे स्टे करेंगे, और सुबह ताजमहल जाएंगे जिसके लिए हम लोग जर्नी शुरू किए थे। सबसे मोस्ट अवेटेड चीज ताजमहल, अच्छा है कि लास्ट में विजिट करेंगे, तो एक्साइटमेंट बना है हमारे बीच। गाइज मिले चंदा जी से, चंदा जी, अनुपम जी, गोविंद जी, रूपम जी, कहाँ रूपम जी, अब बोले रूपम जी, हाय मासूम जी। तो गाइज हम यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, आपको काफी नॉइस नहीं दे रहा होगा। हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं जयपुर स्पेशल कुल्लर लस्सी। गाइज नाउ वी आर ट्राइंग कुल्लर लस्सी। तो गाइज अभी हम रुके हैं जयपुर मार्केट में, कौन सा मार्केट है आई डोंट नो, बट यहाँ पे शॉपिंग होगा गर्ल्स का, घर के लिए और उसके लिए कुछ कुछ। तो चलते हैं शॉपिंग एंजॉय करते हैं, शॉपिंग में साथ देते हैं। तो गाइज गर्ल्स मुंह बना के वापस आ रही है, लगता है इनके मूल जोल में पटरी नहीं खाया होगा, इनके बार्गेनिंग में कोई कमी रह गई होगी। तो मुंह लटका हुआ है, जैसे दो थप्पड़ मार के भगा दिया हो दुकान वाला। तो गाइस यहाँ आए हैं हम लहठी की खरीदारी करने, जयपुरी लहठी। ओरिजिनल रेजिडेंस जोधा बाई का है, जोधा बचपन से लेके और बड़ी इस गांव में हुई है और यहीं से मैरिड होकर वो दिल्ली गई। उसका जो भाई था मानसिंह अकबर का ब्रदर इन लॉ,
उसकी वाइफ का नाम था अमरावती, उसके नाम से आमिर गांव बना। बाद में जयपुर शहर का निर्माण राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया, जब इसको जयपुर शहर कहा जाता है। पहले इसको आमिर के नाम से ही राजस्थान में जाना करते थे। और ये स्टेबल खाली गर्मी के मौसम में, राजस्थान में गर्मी बहुत वीक पड़ती है। अभी आप अगले महीने आएंगे, इतनी गर्मी होगी, इस टाइम भी आप नहीं खड़े हो सकते हैं बाहर, भी इतनी हीट रहता है राजस्थान में। जोधा का ओरिजिनल रेजिडेंस वो है, जहाँ वो दिखिए गाड़ी पास ही में खड़ी है आप लोग को, वो जोधा का ओरिजिनल रेजिडेंस है। और जब जोधा आती थी तो पानी यहाँ ऊपर लेवल तक रहा करता था। जोधा स्विमिंग करती थी। और इस टेबल में जितने भी झरोखे बने हुए हैं, इसमें सब उसकी दासी लोग खड़ी रहा करती, कोई लिपस्टिक लेके, कोई वस्त्र लेके, कोई श्रृंगार का सामान लेके, कोई चप्पल जूते लेके, उसको तैयार करके बाई पालकी ले जाया करते थे आज से 480 साल पहले। क्योंकि ये पैलेस 1520 का बना हुआ है और जयपुर शहर को बने हुए 280 साल हुए हैं। राजा जयसिंह ने 1727 में जयपुर का निर्माण किया था, जब से जयपुर शहर कहा जाता, पहले आमिर के नाम से ही जाना करते थे इसको, राइट। मेरा नाम महेंद्र सिंह। सबसे पहले आपके जैसे टाउन दिख रहा है, ये 2000 वर्ष पुराना सभ्यता है। सामने पुराने खंडहर दिख रहे हैं आपके सामने, जितने तो यहाँ पे क्या था, एक ट्राइबल जाति होती थी आदिवासी मीणा, उनका रूल हुआ करता था। उनको डिफीट किया राजपूतों ने 1036 में और अपना शासन कायम किया। कभी आपने देखा नीचे पन्ना मीना कुंड देखा था ना आपने? हाँ। तो मीना का बाउंड्री है 12.5 किलोमीटर फैली है सेफ्टी के लिए। ये मास कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जब यहाँ से केटरडम बजेगा तो पास में दूसरा एक ऐसा ही ड्रम ऐसा है पिलर्स बनाए हुए हैं, तो ये पूरे बाउंड्री के ऊपर पिलर्स बने हुए हैं। तो यहाँ से ड्रम बजाएगा तो पास वाला सुनेगा ऐसा। ओके ओके। जिसकी इस शहर के बारे में कहावत भी है कि नीम की डाली चंदन से कम नहीं और आमिर लंदन से कम नहीं। जिस दरवाजे से अपन चल रहे हैं इसको बोलते हैं कॉमन एंट्री। ये सामने इसमें अराउंड 300 मंदिर हैं, जिनमें सबसे मेन मंदिर है जगत शिरोमणि टेम्पल। अच्छा। जो मीरा और कृष्ण का मंदिर है, ओनली एक मंदिर है। सबसे पहले जो किला बना उसका नाम है जयगढ़ फोर्ट। उसकी नींव महाराजा काकिल देव ने 1036 में लगाई। देखिए आपका दोबारा से वेलकम है। अपन किले के अंदर एंट्री कर रहे हैं। इस जगह को अपन चार भाग में देखेंगे। हाँ, चार पार्ट है। जो सबसे पहला पार्ट इसको क्या बोलते हैं, जलेबी चौक। जलेबी इट मीन्स परेड ग्राउंड। जो रॉयल फैमिली के जो विदेश गेस्ट आते थे उनको गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता था यहाँ पे। तो इसको अरबी भाषा के अंदर जलेबी का मतलब होता है स्क्वायर, और वैसे बोलेंगे परेड ग्राउंड। तो इसमें देखिए दो दरवाजे दिए हैं, एक दरवाजा जिसको बोलते हैं अपन कॉमन एंट्री। हाँ, ये राजा से मिलने के लिए आम आदमी आता था, जो जनरल पब्लिक वो इधर का दरवाजा ही देते थे। वीआईपी पर्सन राजा साहब सामने वो गार्ड ऑफ ऑनर लेते थे, वहाँ से जो प्लेटफॉर्म मिल रहा आपको वहाँ से गार्ड ऑफ ऑनर। जोधा भाई की शादी होने के बाद में ये फोर्ट का निर्माण चालू हुआ, तो इसको तीन राजाओं ने मिलकर कम्प्लीट किया। ये है दीवाने खास, इट मीन्स प्राइवेट ऑडियंस। इसमें दो पार्ट है, वो समर पैलेस है और ये विंटर पैलेस। इसका नाम शीश महल, जय मंदिर और विंटर पैलेस। मेन अट्रैक्शन आमेर फोर्ट का यही है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप समझिए कि जो आयरन की रिंग्स दिख रही है आपको टोटल, इनमें डिफरेंट कलर के कर्टन करते हैं हर रोज। हर रोज उसी के अकॉर्डिंग इसमें कारपेटिंग होती है अंदर। कहां जैसा पे कलर है वैसा अच्छा, कारपेट इसका जैसे कहता था ना डेली होता था। हाँ। उसके हिसाब से कर्टन मतलब पर्दा लगा। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे अभी आज पिंक कलर का कटर लगा तो पिंक कलर का कारपेट होता था। तो जब रोशनी होती थी तो उसी रोशनी से जगह
क्योंकि दुनिया का सबसे टॉप का ग्लास कौन सी कंट्री बनाती है? बेल्जियम और ईरान। 16वीं शताब्दी में ये बेल्जियम और ईरान से ग्लास मंगवाया गया और इसमें टोटल 4,60,00,000 ग्लास लगे। उसी से जगमगाता था। तो इसमें जो अब ये रूप की डिजाइन के बारे में समझिए, पहले सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, ईरानी कालीन। इसको ईरान का जो पर्शियन कारपेट होता है उसकी डिजाइन ये रूप के। और पीछे की साइड पे जो ग्लास के पीछे 99 टन सिल्वर कोटेड है, यानी शुद्धता के साथ सिल्वर कोटेड है। और आउटलाइन में ये जो येलो येलो दिख रहा है आपको, ये गोल्ड गोल्ड बनाया हुआ है, गोल्ड लगाया हुआ है, गोल्ड का कवर बिछाया हुआ है। मतलब आपने के चारों तरफ गोल्ड, आपने पिक्चर भी देखी होगी मुगले आजम, उसमें जो गाना होता है जो प्यार किया तो डरना क्या, वो बीच वाले हॉल में शूट हुआ। वहाँ से पानी को फ्लो करते थे, जो झरना चलेगा। ये अपना लास्ट पोर्शन है यहाँ का, इसके बाद में सीधे कलामंदिर चलेंगे। यहाँ पे दुकानें हैं महल के अंदर, उनकी तरफ रुकना नहीं है आपको, सीधा जो भी चीज़ है आपको लेनी है कलामंदिर में देखना, वहाँ पे आपको कोई पसंद आए तो आप लेके जाओ। लेडीज अपार्टमेंट है इसको, जनानी जोड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये एक रानी का अपार्टमेंट है पूरा, जो आपके सामने खड़े हैं अपन, ये पूरा ऐसे। इस लाइन में 3 अपार्टमेंट हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। पीठ पीछे 3, लेफ्ट में 3 और राइट में 3। हाँ, जितनी रानी थी सबका अलग अलग पूरा अपना। हाँ, वो सामने ऊपर की साइड के अंदर जो बरांडा दिख रहा है आपको, ओपन बरांडा। हाँ, और 2 बेडरूम बने हुए। अच्छा, महाराजा मान सिंह जब भी किसी रानी से मिलना होता था तो उस रानी को गुपचुप में इंफॉर्मेशन करते थे कौन ट्रांसजेंडर। यहाँ पे रॉयल फैमिली की रानियाँ आपस के अंदर बातें करना, मिलना जुलना, म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट है, क्योंकि अकेली रहती थी। तो यहाँ पे बारादरी, ये अकबर के द्वारा लिखा हुआ लेख है, इसका ट्रांसलेट करके हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप लॉर्ड रामा के बारे में तो जानते ही हैं। हाँ, हाँ। तो सीता जी के कितने लड़के थे? 2, लव एंड कुश। तो ये कुश के वंशज हैं। अभी जो प्रेजेंट महाराजा है 444वीं पीढ़ी है। इसके बारे में आपको बताया था, महाराजा मान सिंह सेकेंड, उनकी 3rd वाइफ, मिस यूनिवर्स, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में 8वां नंबर, राजमाता गायत्री देवी। इसकी डेथ हुई अभी 2009 में। अभी जो प्रेजेंट महाराजा है, जो भी नाउ 24 है, 24 वर्ष के हो चुके और यूके के अंदर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और इंटरनेशनल पोलो खिलाड़ी है अभी से। ये हैं ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जिन्होंने 10 पैरा के, हाँ, ये इनको लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर थे, महावीर चक्र मिला है गेटर के बारे में, और इसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है बुडनोई के उच्चायुक्त में। ये इनकी लड़की थी, इन लड़की के, इनके लड़का नहीं था, इन लड़की के बच्चे को गोद लेके राजा बना दिया। अच्छा अच्छा, ये बताया नहीं, ये यहाँ आते हैं जयपुर? हाँ, यहाँ रहते हैं, बिल्कुल सिटी पैलेस में यहाँ रहते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग, शाम के 6 बजे हैं और अभी हम हैं जिमान रेस्टोरेंट कला मार्केट जयपुर में। गाइस, अभी हम यहां पे लंच करेंगे और इसके बाद सीधा निकलेंगे आगरा के लिए और वहां पे हम स्टे करने वाले हैं। इससे पहले हमने विजिट किया अंबेर फोर्ट को और बहुत सारी शॉपिंग हुई गर्ल्स का, खासकर गर्ल्स का शॉपिंग हुआ यहाँ पे। गर्ल्स के चेहरे पे खुशी दिख सकती है, ज्वेलरी से ज्वेलरी 9 लाख दिलाया है, दिलाया गया है और इन्हें भी 1.5-2 लाख दिलाया गया है। और आप ये भी पूछ लेंगे अभी अपनी होने वाली मोहतरमा के लिए नौलखा। तो गाइस, अभी हमारी जर्नी आगरा के लिए होगी और आगरा में हम जाके आज स्टे करने वाले हैं और कल सुबह हम ताजमहल का विजिट करेंगे, ताजमहल का दर्शन करेंगे, ताजमहल का दीदार करेंगे। तो हम कपल्स काफी एक्साइटेड है और मासूम के साथ में एक्साइटेड है। तो गाइस, हमने ऑर्डर किया था राजस्थानी थाली, तो हम ट्राई करने वाले हैं राजस्थानी थाली, ट्राई करके बताते हैं कैसा है। ये चूरमा होता है, मीठा होता है जी, घी का बनाते हैं जी, जीरा राइस है, ये कड़ी पकोड़ा है, दाल है, गट्टा मसाले हैं, ये लहसुन की चटनी है और ये मिस्सी रोटी है, ये बाटी है। ये क्या होता है, मीठा होता है क्या ये? नहीं, ये बाटी होती है, जैसे लिट्टी और चोखा होता है। अच्छा अच्छा, ऐसे ये दाल बाटी होता है। ये बूंदी रायता है, ये और इसी में इंक्लूडेड ये लस्सी भी है, छाछ है, बहुत ही थैंक यू।
हे गाइस, इट्स 8:28 एंड अभी हम हैं जयपुर में और निकल रहे हैं आगरा के लिए। गाइस काफ़ी लेट हो गया आगरा निकलने में, अभी हमने पंक्चर बनवाया और अब हम पेट्रोल टॉपअप कर रहे हैं, आज के दिन का पहला टॉपअप। देखते हैं आगरा तक लगता है, अब टॉपअप कराने के बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी टॉपअप की। गाइस पंक्चर बन चुकी है, टॉपअप हो जाएगा तो हम डायरेक्ट सीधा आगरा ही चलेंगे, बीच में हल्की फुल्की रेस्ट लेंगे। गाइस टॉपअप चल रहा है पहला एंड देखते हैं कितने लीटर में फुल होती है आज की टैंक। गाइज रात के 10:11 में हैं और इस दौरान हम ट्रैवल कर चुके हैं लगभग 145 किलोमीटर। गाइज यहाँ पे हमने अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया है क्योंकि यहाँ पे नींद आ रही थी हम सभी को, 10 मिनट का ब्रेक लिया है और फिर हम यहाँ से ड्राइव करेंगे रिफ्रेश होने के बाद। गाइज चाय पियेंगे, अभी चाय का मजा लेते हैं इस ढाबे पे एंड एंजॉय करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। कोई दीवाना है, कोई पागल समझता है, की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसा है, या मेरा दिल समझता है। तेरा हो नहीं पाया। गाइस इट्स 2 इन मॉर्निंग और हम अभी आगरा पहुंचे हैं लगभग।